सो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर और यह है उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट। आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इन केस आप नोट्स में इंटरेस्टेड हो तो जैसे ही पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लास्ट पार्ट होगा पूरी इस हिस्ट्री का, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अपलोड कर दूँगी जहाँ से आप चाहें तो ये शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। इसे मैंने बहुत शॉर्टकट में चीज़ें लिखी हैं, पूरी पूरी लाइंस, पूरी पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हैं, मतलब इतने शॉर्ट में जितना मैं लिख सकती हूँ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। सो हमने यहाँ पे एक ट्रिक की थी लास्ट सीरीज में, लास्ट वीडियो में। अगर आप वो वाला पार्ट देखना चाहते हैं, मैंने उसका लिंक भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। अब हम पढ़ेंगे कल दीप भी अजमेर देवी को चढ़ाया मैंने। ये एक ट्रिक है। कल से है कल्याण चंद, दीप से दीपचंद, भी से भीमचंद, अजमेर से अजमेरचंद, देवी से देवीचंद। सो एक सीक्वेंस है कि अगर आपके माइंड में होगा कि इस राजा के बाद ये वाला राजा आया था, अगर इस राजा ने ऐसा किया तो इसके अगले राजा ने ये वाला युद्ध किया, उससे अगले राजा ने किला बनाया, तो अगर आपको राजाओं का सीक्वेंस याद होगा कि कौन सा रूलर किसके बाद आया, तो उन्होंने क्या क्या किया है, उनके जो एक्टिविटीज़, उनके जो काम होते हैं, उनके भी आपको जो है सीक्वेंस याद रहता है। अगर आपसे वैसे ही रैंडमली पूछ लें कि देवीचंद ने क्या किया, या सुनहानी कैपिटल कौन लेकर आया इस तरह से, या धौलरा मंदिर किसने बनाया, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हो। पर अगर आपको इन राजाओं का ही सीक्वेंस याद है तो फिर इन्होंने जो काम किए उनका सीक्वेंस याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं इन ट्रिक्स के थ्रू करती हूँ। बट अगर आपको ट्रिक्स नहीं सही लगती तो आप इसके थ्रू मत कीजिए, आप वैसे ही राजाओं के बारे में पढ़िए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कल्याण चंद राजा के बारे में। तो हमने क्या किया, कलदीप भी अजमेर देवी को चढ़ाया मैंने, कल से यानी कल्याण चंद। कल्याण चंद ने क्या किया, हिंडूर रियासत की सीमा पर एक किला बनाया। हिंडूर रियासत किसका नाम है, नालागढ़ का नाम है आज की डेट में। और जो नालागढ़ है उस टाइम बिलासपुर में आता था, बट अब जो है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हिंडूर रियासत यानी नालागढ़ की सीमा पर, बिलासपुर यानी कह सकते हैं कहलूर रियासत और हिंडूर रियासत के सीमा जो थी वहाँ पर एक किला बनाया। उस किले की वजह से दोनों जो रियासतें थी उनके बीच में युद्ध हुआ और जो हिंडूर के राजा थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये किले वाला क्वेश्चन भी आता है कि दोनों रियासतों की बाउंड्री पे एक कंट्रोवर्शियल किला फोर्ट बना तो वो किसने बनाया, कल्याण चंद ने बनाया। नेक्स्ट है कल दीप यानी दीपचंद। दीपचंद के बारे में पढ़ेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट से रूलर हैं जो हम आज पढ़ेंगे। दीपचंद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है। सो हमने क्या पढ़ा था कि जो कहलूर रियासत है उसके फाउंडर, संस्थापक कौन थे, वीरचंद चंदेल। फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से हमें पता चलता है, किसी ने कहा कि 697 ईस्वी में फाउंड किया, किसी ने कहा 900 ईस्वी में फाउंड किया, तो वो था कहलूर रियासत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिलासपुर शहर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो 1654 ईस्वी में इन्होंने राजधानी जो है वो सुनहानी से बियासपुर ले आई। सुनहानी राजधानी कौन लेके गया था, बीकचंद लेके गए थे। अब सुनहानी से बियासपुर कौन लेकर आए, दीपचंद चंदेल लेकर आए। कब लेकर आए, 1654 ईस्वी में। और 1654 ईस्वी में ही इन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना की। पहले रियासत थी, मतलब आप सोच सकते थोड़ा गांव टाइप था, फिर बिलासपुर शहर आ गया, मतलब मोर सेटल चीज़ें आ गई। तो कब आई, 1654 ईस्वी में। इन्होंने धौलरा महल भी बनाया, किन्होंने, दीपचंद ने। धौलरा महल मतलब जो धौलरा कैंपस है, धौलरा मंदिर है, जो कि जो भी लोकल होंगे बिलासपुर के या आसपास के जो वहाँ गए होंगे उन्होंने देखा होगा, तो वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि वो किसने बनाया है, दीपचंद चंदेल ने बनाया है। फिर इन्होंने अभिवादन प्रथा स्टार्ट की, जिसे प्रोस्ट्रेशन सिस्टम भी कहते हैं, जैसे कि राजा को जय देवा, राणा को राम राम, इस तरह से हम देख सकते हैं। लेट मी शिफ्ट द पेज। ओके, जैसे कि राजा को जय देवा, राणा को राम राम, मियाँ को जय जय, तो इस तरह से इन्होंने अभिवादन प्रथा भी स्टार्ट करवाई। फिर इनकी मृत्यु कैसी हुई, इनकी मृत्यु हुई, इन्हें जहर दिया गया। ये जहर किसने दिया, कांगड़ा के राजा हैं चंद्रभान सिंह। जो कांगड़ा के राजा थे चंद्रभान सिंह, उन्होंने इनके भोजन में विष मिला दिया जिससे इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कहाँ हुई, नादौन में। कब हुई, 1667 ईस्वी में। सो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि राजधानी का, तो राजधानी किसने बियासपुर लेकर आई, दीपचंद जी ने। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की, दीपचंद जी ने। धौलरा महल किसने बनाया, दीपचंद चंदेल ने। और अभिवादन प्रथा बिलासपुर में किसने स्टार्ट की, दीपचंद चंदेल ने। सो ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है भीमचंद। हमने भीमचंद के बारे में हम इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ते हैं कि भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह
गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु। तो इन दोनों के बीच में 20 सालों तक युद्ध चलता रहा। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बिलासपुर के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी जो है सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध लड़ने में ही व्यतीत कर दी। तो कौन थे? भीमचंद। सो भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में 20 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। फिर इन दोनों की फेमस बैटल थी 1686 ईस्वी की भंगाणी का युद्ध, या कई बार भंगाणी का युद्ध भी है कुछ बुक्स में। तो इसमें कौन हारे? भीमचंद ही हारे। और हुआ क्या कि इनके बीच में जितनी बार भी युद्ध हुए हर बार भीमचंद ही पराजित हुए, राइट। लेकिन बाद में क्या होता है, इनमें शांति संधि हो जाती है, बट क्या फ़ायदा, क्योंकि लास्ट तक तो भीमचंद की मृत्यु हो जाती है। तो वो पूरी ज़िंदगी जो है वो गुरु गोविंद सिंह के साथ लड़ते लड़ते ही उनकी ज़िंदगी व्यतीत हो गई, राइट। फिर हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी, कलदीप भी अजमेर देवी को चढ़ाया मैंने, तो अजमेर से अजमेर चंद। ये तो नाम से इजी सा क्वेश्चन है कि अजमेर चंद ने क्या किया, अजमेरगढ़ किला बनवाया, कहाँ बनवाया, हिंडूर की सीमा पर। पर ये इतना कभी मैंने देखा नहीं क्वेश्चन एग्जाम में आया हो। नेक्स्ट आता है देवी चंद। देवी चंद कौन थे? ये भी बिलासपुर के राजा थे। बिलासपुर शहर की स्थापना हो गई है तो बिलासपुर शहर के राजा थे। 1751 ईस्वी में घमनचंद की युद्ध में सहायता की। घमनचंद कौन थे? ये कांगड़ा के राजा थे। और घमनचंद एक बहुत ही फेमस नाम है इन द हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर और इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन्होंने क्या किया, क्यों किया, वो हम पढ़ेंगे। घमनचंद संसार चंद बहुत ही फेमस है कांगड़ा में, बट फिलहाल हम बिलासपुर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो देवी चंद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ इतना क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि घमनचंद जो युद्ध हुआ था 1751 ईस्वी में, जो कि कांगड़ा के राजा थे, बिलासपुर के किस राजा ने उनकी हेल्प की? देवी चंद ने हेल्प की। फिर नेक्स्ट आता है गज्जे सिंह हंडूरिया। जस्ट गिव मी अ मिनट। गज्जे सिंह हंडूरिया, जो गज्जे सिंह हंडूरिया है, इनको हिंडूर का राजा बनाया देवी चंद ने। क्यों बनाया? क्योंकि जो हिंडूर के राजा थे मानचंद और जो उनके बेटे थे, उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो हिंडूर की जो प्रजा थी उन्होंने देवी चंद से रिक्वेस्ट की, क्योंकि हिंडूर किस में आता है? बिलासपुर में आता था। तो हिंडूर के जो राजा और जो हिंडूर के राजा मानचंद और उनके पुत्र की जब दोनों की मृत्यु हो गई, तो हिंडूर की प्रजा ने रिक्वेस्ट की देवी चंद से कि आप हमारा राजा बनिए। लेकिन तब कहते हैं कि देवी चंद जी ने मना कर दी थी कि इतना ज़्यादा एरिया को एडमिनिस्टर करना टफ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी जगह, या कह सकते हैं मानचंद, इनकी जगह पे गज्जे सिंह हिंडूरिया को हिंडूर का राजा बनाया। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि गज्जे सिंह हिंडूरिया को हिंडूर का राजा किसने बनाया? देवी चंद जी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इंपॉर्टेंट, कि ये नादिर शाह के समकालीन थे। नादिर शाह कौन थे वो भी हम हिस्ट्री एंड सॉरी मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे उस चीज़ को। उसके बाद है हिंडूर के राजा विजय सिंह को रामगढ़ दुर्ग इन्होंने दिया। जो हिंडूर के राजा फिर बाद में कभी बने होंगे या इनसे पहले होंगे विजय सिंह, उनको रामगढ़ दुर्ग दिया देवी चंद जी ने, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। जो आज की हमारी ट्रिक रहती है वो क्या रहती है, ये रहती है ट्रिक, कलदीप भी अजमेर देवी को चढ़ाया मैंने, कल्याण चंद, दीपचंद, भीमचंद, अजमेर चंद, देवी चंद। सो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो यू नो कम्फर्ट आप ही के लिए है कि आपको राजाओं का सीक्वेंस भी याद रहेगा, कौन से राजा ने क्या किया वो भी याद रहेगा। अगर आपको राजाओं का सीक्वेंस ही याद नहीं होगा तो कौन से राजा ने क्या किया वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी, जैसे ही ये पूरी हिस्ट्री कम्प्लीट होगी तो मैं वैसे ही जो है एक PDF बना के नोट्स की छोटी सी 3-4 पेजेस की PDF बनेगी, वो मैं अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल में जो मैंने वीडियो अपलोड की है इसको लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या किसी भी पर्टिकुलर वीडियो के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। And that was all about the video. Thank you guys and see you soon.